ये तालाब से मछली निकाल रहे हैं। उच में कर, ये में तो पक्का छुआ है। अरे का? इसका क्या नाम है? 20 बार बोलने के बाद मेरी पड़ोसन मुझे अंडा दे रही है, अपने दिल पे पत्थर रख के नहीं दे रही थी, लेकिन मैं ले रही हूँ देसी अंडा। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और बगल में हम मछली निकाल रहे हैं, मेरे घर के जस्ट बगल में तालाब है और पूरा तालाब सूख गया है। आप लोग देखिए, बंजर बस्ती जैसे। और यहाँ पे मछली निकाल रहे हैं, तो वहीं आई थी देखने के लिए, मैं साइकिल राइड कर रही थी। दिखाओ कहाँ रखे हो हाथ में, दिखाओ मछली, दिखाओ। ओए मछली खाने दिखा रहा है। अच्छा, इसमें रखा है एक प्लास्टिक। अरे बाप रे, दिखा तो, खोल तो उसको, खोल के दिखा। अरे गजब यार, बहुत सारा है इसमें तो। ये तालाब से मछली निकाल रहे हैं। मेरे घर के पास तालाब है, काफी समय से हम मछली निकाल रहे थे। मैं साइकिल राइड कर रही थी, साइकिल चला रही थी, इवनिंग में साइकिल चलाती हूँ। ये देखो मेरा न्यू साइकिल कैसा लग रहा है बताओ। उसमें मछली रखे हैं, दिखाइए मम्मी। अरे अभी बच गई मैं तो, मेरा दांत हूँ सब टूट गया रहा था। हाँ, कीचड़ लग गया मेरे पैर में। इसका क्या नाम है? ये ज्यादा रखा है का? अच्छा, इसको नीचे गिराएंगे का? जिंदा भी है कि मरा हुआ है? एक सब्जी का तो बन ही जाएगा, काट डाल के बनाएंगे इसको है? नहीं, आप लोग सबका बनाने का अलग अलग तरीका रहता है ना। आप लोग का कैसे तरीका है? नहीं तो काका डाल के लकड़ा में कि आमा खोइला में। अलग अलग घर का है कि चूरा मन चूरा के खाए दे। चल रहा हूँ मैं, वीडियो देख रहे होंगे आप लोग अल्ट्रा वाइड से, पूरा मस्त पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा होगा और सामने का व्यू देखो। मानसून की शुरुआत हो गई है हमारे शहर में भी, कल बारिश हुई थी। मैं मीना बाजार गई थी, लास्ट लोग देखे होंगे आप लोग मीना बाजार की। मीना बाजार से जैसे बाहर निकली खूब बारिश हुई, फिर उसके बाद भीग भी गई थी मैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद भीगने के बाद आइसक्रीम खा ली थी मैं, आइस गोला खा ली थी और ठंड लग गई मुझे। जिसका साइकिल है उसको दे देते हैं। तुम्हारा साइकिल है? एक से एक साइकिल देखो मेरे पड़ोसी में। नहीं यार, ये कैसे भगता है? ये गियर वाली साइकिल है, बताओ समझाओ। तुम्हारा साइकिल है ना? इसी का साइकिल है, न्यू सोल्ड। कैसे कैसे गियर लगाते हैं? और नॉर्मल अपन को गियर चाहिए ही नहीं तो, नॉर्मल जो साइकिल रहता है तो कैसे कर देंगे? नॉर्मल चार गियर चला, चार गियर फिर नॉर्मल साइकिल हो जाएगा। अच्छा, गियर बदलता है तो ये उतरते जाता है? हाँ। अभी कितने नंबर में है ये? अभी चार गियर में, नहीं पांच गियर में। हाँ? पांच गियर में। 1 2 3 4 5 कितना गियर? 6 गियर है। अरे बाप रे, तो अपन को नॉर्मल करना है, अपन को गियर चलाना ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे उसको? चार गियर में चला फिर नॉर्मल। चार गियर लगाओ, कैसे लगाते हैं? चार चलाते हैं। अच्छा, एकदम मैं तो चला रही थी यार, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा था, मतलब पैदल पैदल मार रही थी, भाग ही नहीं रहा था, पता है क्या कहते हैं? और उसमें तुम्हारे में वो भी नहीं दिया है टिंग टोंग वाला? हाँ, नहीं है, है तो कैसे करोगे टिंग टोंग? तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये रही नानू बैठी यहाँ पे, और जब से देख रही हूँ उसको अकेले खा रही है। जितनी बड़ी तो नानू नहीं है, उससे बड़ा इसका प्लास्टिक है। ये देखो कैसे अकेले कैसे खा रही हो। तुमको तो अभी मैं कुरकुरे खिलाई थी ना, तो मुझे खिलाई तुम? हाँ, अब से तुमसे नहीं बात करूंगी। ये है हमारे घर के अड़ोसी पड़ोसी, धूम मचाले, सबका गाड़ी है। हमारे बरनी झरिया के राइडर्स लोग के नाम जानते हैं, रुद्र कुमार सोनानी, रिहान भगत और मैं कंचन देवांगन। हेलो करो सबको। हेलो।
कौन है तुम्हारे भैया? उधर 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 वहाँ पे नानू के घर मुर्गी अंडा दे रही है, तो नानू वही दिखाने के लिए लेकर जा रही है। और नानू बोल रही है मेरे को देगी अभी दो अंडे, दोगी ना देसी अंडे? उसकी माँ होगी तो नहीं है। उसकी माँ होगी तो तुमको तो मारेगी। कब मर गई? हाँ चलो मम्मी से पूछो। तो उसकी मम्मी मर गई तो अंडा कैसे दे रही है? हाँ चलो। और उसकी माँ होगी तो कहाँ तुम यहाँ एकदम खंडहर में ले आ रही हो? अरे बाप रे, सच में अंडा है यार। लेकिन चीटी हो गया। चीटी? कहाँ चीटी? हाँ यार, दोगी क्या मुझे दो अंडे? पक्का दो ना तो दो अंडे। जाना तो झोला लेकर आना। झोला लेकर आऊँ? कितना बड़ा सा? तो दो अंडे के लिए बड़ा सा झोला लेकर आऊंगी। छोटा सा लेके आना। छोटा सा? हाँ। आ जाएगा ना फिर झोला में? चल चल मैं भी जा रही हूँ। हाँ। चलो कहाँ जाए? क्या तेरे का पचाली के लेने? क्या लेने? पचाली के लेने से क्या बोलती है? अच्छा प्लास्टिक लेने चले। 20 बार बोलने के बाद मेरी पड़ोसन मुझे अंडा दे रही है, अपने दिल पे पत्थर रख के नहीं दे रही थी, लेकिन मैं ले रही हूँ देसी अंडा। खाऊंगी अभी मैं देसी अंडा खाऊंगी। और ये देखो कैसे पता कि कौन सा अड़ गया है? महक रहा है। तो दो दो मुर्गी का है क्या? कैसे महक रहा है? सुन के देख। क्यों सुनू मैं? बस कहाँ मोहकत है यार जबरदस्ती का? ले जाना तो दूध उधर के खराब निकली तो मोर बदी मत करवे। नहीं नहीं देसी अंडा यही मन ठीक वही दियो मन। ले जा दो 20 रुपए ना बड़ा का 20 रुपया। मेरी पड़ोसन 20 रुपए का दो अंडा दे रही है, मतलब इनका समझ इनका जीव एकदम मुर्गी से भी छोटा है। अरे उसको अंडू को फोड़ो ना, ऑमलेट बना के खा देना और वो चीज रहेगा। तो अभी देखते हैं। अरे नीचे कर रहे हैं। चूजा उजा तो नहीं निकली? चू 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 वो इसमें तो ये में तो पक्का छुआ है। अरे सही बता तो पक्का छुआ है बच्चा इसमें? हाँ मत कर। कैसे पता? नहीं जाना तो बच्चा नहीं खुला गड्ढा लगाते नहीं। अरे चल खोल देखो ना ये अच्छे से खोल के। इसमें बच्चा हो गया है, सूख गया है देख। हाँ सूख गया है। हाँ चल बच्चा है कि? बच्चे लोग उधर देखना था। उधर इसको दिखा। उधर जा उधर जा। दूसरा को भी खोलते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। वीडियो में सुबह एंड कर रही हूँ। काफी समय तक मैं बच्चों के साथ खेली, पूरा अंधेरा होने तक उधर ही थी मैं। वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर हमको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।